अब हम लोगों की चाय आ गई। ये हमारा मामू चाय वाला है, ये हमारा भाई मामू चाय वाला है। भाई का ये चाय में हम उसकी 5 बार मरतबा चाय ना पिए तो हमारा दिन नहीं गुजरता है। आप लोग भी चाय पियोगे गाइस? लेट्स। अब मैं भी पी रहा हूं मामू भाई। तुम्हारा ये कप टूटा हुआ है, काइंडली मुझे ये चेंज करके दे प्लीज। नमस्कार नाम। अच्छा एक्सचेंज करके दे। हां भाई क्योंकि इसका। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दिस इज नबील, सो वेलकम बैक टू नदर ब्लॉग। तो गाइस फाइनली जिस दिन का आप लोगों को इंतजार था वो दिन आ ही गया। मैं आज अपने विलेज में आया हूँ, ठीक है। 3-4 दिन से मैंने ब्लॉग अपलोड नहीं किया है, ठीक है। मेरे साथ है मेरा कज़न। हाँ तो आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ मिठल खान। ओहो इसका मिठल खान नाम है, सही है ना? जो कि बड़े का नाम था वो हमारा क्या लगता था? दादा। वो हमारा दादा था, सही है। गाइस आप लोगों को हम बहुत ही अच्छा व्लॉग, आज का व्लॉग बस काफ़ी मज़ेदार होने वाला है ना। इनको बोलो कि सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। सब्सक्राइब करें और लाइक करें। लाइक करें। सो गाइस आगे मिलते हैं। हम लोग थोड़ा बाहर जा रहे हैं, गांव का मौसम है, बहुत सर्दी है। आप लोगों को थोड़ा व्यू दिखाते हैं। इस व्यू देख रहे हो आप लोग हमारे गाँव का, सही है ना? ये मिठल साहब जा रहे हैं आगे, सही है। एंड यहाँ पर भी पूरी वीरानी है, सही है। अभी फ़िलहाल तो कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा है। चलो आगे हम लोग का आप लोगों से मिलते हैं थोड़ा आगे जाके, सही है गाइस। अब हम लोग पैदल जा रहे हैं, सही है ना? मैं आप लोगों को अपने बचपन के दोस्तों से बुलाऊंगा, सही है ना? जो विलेज में मेरे साथ खेलते थे। अभी हम थोड़ा पैदल जा रहे हैं। मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, वो बाइक पे आएगा लेने, लेकिन अभी तक नहीं आया। हम अब कहाँ जा रहे हैं? हम हिमाबाद जा रहे हैं, हिमाबाद जा रही है, सही है ना? तो आगे आप लोग हम वापस आ रहे हैं, सही है ना? ये सारे गांव के जैसे लड़के पागल होते हैं ना, ऐसे ज़्यादा बात। हमारा नाम अफनान अहमद है। हाँ भाई जान आपका नाम क्या है? मेरा नाम साहिल। आपका नाम क्या है? हमारा अफनान अहमद। और मोटू भाई आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ जैद खान। वाओ जैद खान। अब सलमान भाई आपका नाम आ जाए, कैमरा के पीछे आ जाए, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, शर्माओ मत। आपका नाम क्या है? सलमान खान। अच्छा इसका सलमान खान, वाह ये मिठल दे सकते हैं, ये बड़ा हरामी बंदा है। गाइस एंजॉय हो रही है, हम लोग आपको थोड़ा आगे जा रहे हैं, अभी पैदल घर जा रहे हैं। घर पहुंच के थोड़ा कुछ भी मतलब समझ रहे हो, सही है ना? वहाँ पे आपको सारा व्यू दिखाएंगे हम अपने गांव का माहौल, हमारे गांव के लोग कैसे हैं गाइस, ठीक है? तो वीडियो को एंड तक देख देना ना, वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। आज की वीडियो काफ़ी लड़का जो हमारे बचपन का दोस्त था उसे मिलाना आप लोगों को भूल गए क्योंकि वो थोड़ा पीछे था। वारिस भाई इधर आ जाओ, अपना तारुफ कर, आपका नाम क्या है? हमारा नाम है मोहम्मद वारिस खान। गाइस ये आप लोगों को छोटा लग रहा है ना, क्या बोलते हैं छोटी हस्ती, क्या बोलते हैं? बड़ा धमाका, ये वो चीज़ है। गाइस वीडियो को एंड तक देखते रहना, अभी हम लोग गाँव पहुँचने वाले हैं, बस थोड़ा बाहर मस्ती वगैरह करने गए थे, इसलिए सही है गाइस। वीडियो को ज़रूर एंड तक लाजमी देखना, फिर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आज का व्लॉग कैसे लगा गाइस। हम अपने गांव की ज़मीनों पे आ गए हैं, सही है। मैंने थोड़ी पोल्ट्री बोलनी है, शायरी बोलनी है, अब जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। वहाँ पर थोड़ी शायरी वगैरह बोलूँगा, आप लोगों को भी दिखाऊँगा। वो सामने क्या बैठा है? वो हेल्प बोलती है। क्या बोलते हैं? हिल नहीं, ईगल बोलती है। इंग्लिश में ईगल बोलती है। कहाँ पे चले? कौन सी तरफ ज़मीनें हैं? इस तरफ सीधा चलो, आ जाओ। ये सारे मेरे बचपन के दोस्त हैं, अभी बोर से दोस्त रहते हैं, उनसे आप लोगों को मिलवाना है, सही है। इसका नाम है अनु, इसका नाम है पन्नू। तुम्हारा नाम क्या है? मनु जी। नहीं मेरा नाम है ईगल। तुम्हें अच्छा ईगल नाम है। ईगल क्या होता है? ईगल कौन सी मखलूक है? ईगल अल्लाह की मखलूक है, और वो मखलूक ये क्या है? ये है हमारी सिंध की बहुत ही मशहूर डांस। इस डांस का नाम क्या है? इस डांस का नाम है लोड़ा डांस। भूल गए? और इसका डांस का नाम है ठुमका। गाइस ये सकते हैं फुली मस्ती में हमारे बच्चे,
ये बंदा पागल हो गया, मतलब फुल ही हमारे आने की खुशी में झूम रहा है गाइस, देख सकते हैं हमारा बहुत सा गहरा दोस्त है। अब टाइम आ गया पोल्ट्री बोलने का, मैंने थोड़ी पोल्ट्री बोलने आप लोगों को भी दिखाता हूँ मैं कैसी शायरी बोलने वाला हूँ आज। हम लोगों ने पोल्ट्री वगैरह बोल दी है, सही है। अब हम लोग फाइनली पहुँचने वाले हैं अपने गाँव के छोटे से रेस्टोरेंट पर। सारे सारे फ्रेंड्स इधर आ जाओ, सारे पीछे आ जाओ, मेरे पीछे आ जाओ। मज़ा आ रहा है तुम लोगों को? मज़ा तो आ रहा है पर तुमने मुझ, अरे कहना क्या चाहते हो कि हम पर हमने बोझ किया है, तुम पर या तुमने हमने बोझ किया है? क्या कहना क्या चाहते हो तुम? मैं कह देता हूँ कि आप ये मुझे नहीं चलाएं। क्यों नहीं चलाएं? हमारा मौका दिखा। गाइस अब शाम का टाइम हो रहा है, टाइम कितना बज रहा है साले भाई मोबाइल पे देखो तो, ऐसे लग रहा है सुबह का टाइम है क्योंकि यहाँ पे 4:30 हो रहे हैं। गाइस मैं अब अपने गांव का आप लोगों को व्यू दिखा देता हूँ पूरी, जो भी ये हमारे गांव की तितली है देख सकते हैं आप, जो अर्थ वगैरह है हमारे। ये क्या है? तितली। ये पोपट पकड़ा है इसने, वाओ। अभी आप लोगों को मैं व्यू दिखाता हूँ थोड़ा। हमारे गांव में सूरज वगैरह निकल आए, आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है ना। शुक्र है अल्लाह पाक का, बड़े बड़े कर्म है कि सूरज वगैरह निकल आया। बहुत सर्दी है ना साहिल भाई? जी भाई, हम लोगों ने दुआ की अल्लाह पाक से कि सूरज वगैरह निकल आए, क्योंकि सर्दियों में बच्चे भी बीमार हो जाते हैं ना। आप लोग सूरज दिखाते हैं, निकल आया है थोड़ा। आपको बोला था हमारे गांव में एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आए हैं, सही है। मेरे कजन वगैरह बोलते हैं, बोल रहे थे आओ हमारे पास, उन लोगों के पास चलते हैं, उन लोगों से आप लोगों को मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, कैसे हो सब लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत है, तो आप कैसे हैं? ठीक है, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दोनों अल्लाह का करम है, शुक्र है बहुत बहुत। और क्या कर रहे हैं आजकल? यार बस बैठे हुए हैं, देख रहे हैं आप, सर्दी है माशाल्लाह, जनवरी का महीना स्टार्ट हो गया है, लेकिन खैरियत से आज थोड़ा बहुत हम लोगों ने जो है ना सूरज को थोड़ा बहुत देखा है, लेकिन 3 दिन हो गए हैं तो हम लोगों ने ना जो है कुकड़ बने हुए हैं बिल्कुल। हाँ भाई, आपका क्या कहना चाहेंगे? यार हम अभी लोग जो है ना लकड़ा होटल पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे मच कचहरी चल रही है, संगत हमारी बैठी हुई है उधर, अभी चाय का इंतजार कर रहे हैं कि चाय आ जाए। भाई सिर्फ चाय से काम नहीं चलेगा, केक शेक भी हो। चाय कहाँ से आते हैं? चाय का चाय का मजा जो है सिंधी चाय के मवाली होते हैं गाइस। चाय के मवाली भाई, हमको थैला ड्रिप लगाओ चाय के। भाई आप क्या कहना चाहोगे? खादिम भाई आप बोले। ये भाई सबका खादिम है, चाय नहीं मिल रही भाई को, जरा चाय की बहुत तलब है इसको, जो है ना सही टाइम पे नहीं मिल रही, इसी वजह से बात है। हां इसलिए रंग के तरफ पीता हूं गाइस। ये भाई ये अब हम लोगों की चाय आ गई, ये हमारा मामू चाय वाला है, ये हमारा भाई मामू चाय वाला है। इस भाई का ये चाय में हम इसकी 5 बार मतलब चाय ना पिए तो हमारा दिन नहीं गुजरता है। आप लोग भी चाय पियोगे गाइस? लेट्स। अब मैं भी पी रहा हूं। मामू भाई तुम्हारा ये कप टूटा हुआ है, काइंडली मुझे ये चेंज करके दे प्लीज। अच्छा एक्सचेंज करके? हाँ भाई क्योंकि इसका वो टूटा हुआ है कब टूटा हुआ है। ये हमारा तारिल भाई आ गया, अरे बाबा तारिल भाई, तारिल भाई दादा है। जुबान 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 कर, ये गुंडा है हमारा, जुबान जुबान निकाल ले यार। ये बोले खाली पीना मेरे लगा खबर ही यार, कोई केक शेक करें यार, कोई केक शेक खिला दो, चाय गरीबों की तरह हाथ में पकड़ा दिए चाय की। यार ये जो है ना अमीर चाय सिर्फ ना अमीर बंदों का काम होता है, वो नाश्ता वगैरह खाना वगैरह घर घर पे खाते हैं। ये भाई गरीबों वाली बात करते नहीं, ये जो केक है ना गरीबों वाली बात करते, ये गरीबों वाली बात नहीं अमीरों वाली बात है। अमीर लोग सिर्फ चाय पीते हैं, केक मंगवाओ यार, उसके साथ कुछ भी नहीं खाते भाई। तुम लोग नहीं खाओ ना, तुम अमीर बंदे हो, गरीब क्योंकि कहते हैं ना जितनी सोच बड़ी होगी जितने मतलब ख्वाब बड़े हो गए ना, ड्रीम जिस किसी की जो ड्रीम होती है ना वही ख्वाब पूरा होता है। अल्लाह पाक को ये ऐसे इंसान पसंद आते हैं जो ये बड़ी बड़ी ख्वाहिश वाले होते हैं, उनकी अल्लाह पाक ड्रीम गरीबों वाली सोचना। हाँ भाई ना हम खुद खाते हैं, खिला रहे हो नहीं खिला रहे हो? बस ये बताओ भाई जान, यार अभी अब यार हम हाथ से तोड़ के तो उसको नहीं खिलाएंगे ना, ये मंगवाए उससे मम्मू को बोले इसका केक आ जाएगा। मम्मू जा वे भाई जा, तू मम्मू को बोल चाहे तो केक लेकर, मम्मू को बोल इंशाल्लाह केक लेके आओ, सही है। हम लोग चाय पीने के बाद लेकिन चाय के साथ अगर
बिस्किट या केक ना हो तो चाय का मजा नहीं, मजा नहीं, स्वाद नहीं होता, स्वाद। गाइस अब हम लोग आप लोगों को चाय पीने के बाद मिलते हैं। सिर्फ इतना ही था, अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आया है तो लोग लाइक करें, चैनल पे नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हम लोगों का हर आने वाला व्लॉग का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहे। तो मिलते हैं किसी और न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।